दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एक नया फ्यूचर्स स्टार्ट करी है जिसमें आपको डेबिट कार्ड दो प्रकार के मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन अकाउंट जो है नवंबर से दिसंबर तक में स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है लेकिन इसका वीडियो KYC प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इस पर काम चल ही रहा है। आप अगर इसी वेबसाइट पर चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये लॉन्च हो चुका है बहुत पहले ही, यानी कि अगले हफ्ता ही लॉन्च हो चुका था लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली। ये जो है इसमें आपको दो डेबिट कार्ड मिलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने नोटिस भी दिया है, ट्वीट किया है बहुत ही जगह कि आपको एक प्रीपेड कार्ड मिलेगा और एक जो है फिजिकल डेबिट कार्ड। तो सबसे पहले अगर आप अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं तो आपको प्रीपेड कार्ड या वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा, आपके अकाउंट के साथ वो लिंक हो जाएगा। ये जो है अभी सिर्फ वेबसाइट पे आया है कि वेबसाइट से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल डिटेल दे देंगे तभी भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, यानी कि KYC जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी बैंक में ही जाके KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, अभी जो है ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हालाँकि कुछ दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर 1 मंथ वेट करेंगे नवंबर से दिसंबर के अंत तक आपको डेबिट कार्ड या KYC के रिलेटेड इशू जितने भी थे बैंक के सभी जो है ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है बैंक का जो है अलग एक प्राइवेट चलने का भी बात कर रहा था, जो है अभी प्राइवेट नहीं होगा, ये गवर्नमेंट बैंक ही रहेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी आपको सुविधा देखने को मिलेगा कि अगर आप KYC करते हैं तो आपको इंस्टेंट ATM कार्ड डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट के साथ लिंक रहेगा, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि नंबर CVV नंबर और एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। हालांकि अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं ATM से तो आपको UPI के जरिए करना होगा, यानी कि UPI से QR कोड स्कैन करके सेंट्रल ऐप से, ये जो है जिस तरह YONO SBI से करते हैं उसी तरह सेंट्रल ऐप से आपको सेंट्रल के ATM से ही होगा, अदर्स ATM में नहीं होगा, जिस तरह जो है SBI के SBI के ATM से ही QR कोड स्कैनर होता है। लेकिन जैसे ही NPCI ने अगर लॉन्च कर रही है सभी ATM पे तो आपको QR कोड से UPI किसी भी एप्लीकेशन से फोनपे पेटीएम UPI जो भी आप अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अगर आपका वर्चुअल कार्ड मिल जाता है तो आप जो है किसी भी ऐप से लिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आपको सक्सेसफुली पेमेंट भी कर पाएंगे, मतलब कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे ही ये लॉन्च हो जाता है मैं आपके लोग के लिए फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।